हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी दोस्तों को बताएंगे कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में किस प्रकार से फादर्स डे का पोस्टर एडिट कर पाएंगे। सो गाइस, यदि आप भी फादर्स डे का पोस्टर डिजाइन करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, तो आप हमारे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से फादर्स डे का प्रोफेशनल बैनर क्रिएट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में ही मिलेगा घंटे का बटन, उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल फ़ोन में पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। पिक्सेल लैब एप्लीकेशन ओपन करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में डिलीट के आइकन पर टैप करना है और ओके कर देना है। ये जो न्यू टेक्स्ट है जो है डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें जो है यहाँ पे एक बैकग्राउंड चूज करना होगा। सबसे पहले हमें उस बैकग्राउंड को चूज करने के लिए राइट साइड में थ्री डॉट पे टैप करना है और यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद फ्रेंड्स, हम अपने उस बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, हम जहाँ पे अपने बैकग्राउंड को ऐड किए हुए हैं, वहाँ पे हम उस फोल्डर में चले जाएंगे, जैसा कि हम पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में जो है बना के रखे हुए हैं। तो हम इस एप्लीकेशन में आने के बाद अपने उस बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, आपको फोर्थ वाले ऑप्शन पे टाइप करना है और यहाँ इमेज साइज पे चले जाना है। इमेज साइज को यहाँ पे आपको जो है बढ़ा लेना है, जैसा कि यहाँ पे जो है हम 1000 कर देते हैं। 1000 करने के बाद यहाँ पे जो है, जहाँ पे 1280 है, यहाँ पे जो है हम 1350 कर देंगे। कुछ इस प्रकार से 1350 करने के बाद हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड है बढ़िया से सेट हो जाएगा। अब हम फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अपने एक बैकग्राउंड को और चूज कर लेंगे जो फादर्स डे का है। तो हम प्लस वाले चिन्ह पे टाइप करेंगे और फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद हम अपने उस बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं। जैसा कि हम डाउनलोड करके उस बैकग्राउंड को रखे हुए हैं, तो हम इनमें से किसी भी बैकग्राउंड को चूज कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास PNG में है, इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ है, तो हम फ्रेंड्स इस थर्ड वाले ऑप्शन पे टाइप करेंगे। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे इरेज कलर के ऑप्शन पे। इरेज कलर के ऑप्शन पे आने के बाद आपको ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको सही के चिन्ह पे टाइप कर देना है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो व्हाइट बैकग्राउंड होगा वो रिमूव हो चुका होगा। सो फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे इसे कुछ इस प्रकार से छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद हम इसे यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम जो है ऊपर की तरफ टाइप कर देंगे अपने कुछ टेक्स्ट को। चलिए हम टाइप कर लेते हैं। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए फ्रेंड्स, हमें जो है प्लस के चिन्ह पे टाइप करना है और टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम जो है अपने उस टेक्स्ट को टाइप कर चुके हैं। टाइप करने के बाद ओके कर देना है फ्रेंड्स। अब हम जो है कुछ इस प्रकार से इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे फ्रेंड्स। फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आप माय फॉन्ट्स में चले जाइए। यहाँ पे आप अपने किसी भी फॉन्ट को जो है चूज कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ पे किसी फॉन्ट का यूनिकोड निकाले हुए हैं, तो हम जिस फॉन्ट का यूनिकोड निकाले हैं हम उसी फॉन्ट को जो है चूज कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से इन सभी का जो है यूनिकोड निकाले हैं, तो हम इन सभी को थोड़ा सा इस प्रकार से कर देंगे बड़ा। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से आप सभी को जो है यहाँ पे कट कर देना है। जो यहाँ पे आप सभी को लिखा गया इसे कट कर देना है। उसके बाद आप लोग देख पाएंगे फादर्स डे, तो आपको फादर्स डे को कट कर देना है, बाकी जो है यहाँ पे रहने देना है। सो फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ पे इतना ऐसे ही रहने देंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे फादर्स डे ही केवल बचा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे जो है स्टोक को इनेबल कर देंगे। स्टोक को इनेबल करने के बाद सही के चिन्ह पे टाइप कर देंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो एडजस्ट हो चुका है। अब फ्रेंड्स, हम इसी टेक्स्ट को फिर से कॉपी कर लेंगे। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉपी का ऑप्शन राइट साइड में, तो आपको कॉपी पे टाइप करना है। ये जो टेक्स्ट है कॉपी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ पे अपने पहले वाले टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था आप सभी को, तो हम आप सभी को यहाँ पे पेस्ट कर चुके हैं। अब हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद हम इसके कलर को कुछ चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे स्टोक वाले ऑप्शन पे। स्टोक को आपको व्हाइट रख देना है। व्हाइट रखने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ हद तक ये बढ़िया दिखने लगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हम जो है फिर से कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब इसके कलर को हम जो है रेड रख देंगे। रेड रखने के बाद हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद थोड़ा पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको एडजस्ट कर देना है। अब फ्रेंड्स, आपको इसे ऐसे ही रहने देना है। फिर से आपको इस वाले टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको नेक्स्ट टेक्स्ट को यहाँ पे भी पेस्ट कर देना है। चलिए यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स।
यहाँ पे की हार्दिक शुभकामनाएं, ये वाला टेक्स्ट भी हम यहाँ पे पेस्ट कर चुके हैं। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ले आके रख देंगे कहीं पर भी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे थोड़ा नीचे की तरफ कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि ये देखने में और भी बढ़िया दिखे। अब फ्रेंड्स हम इसके कलर को कुछ गाढ़ा कर देते हैं, या फिर हम ऐसे ही रहने दें थोड़ा लाइट कलर में। अब आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है बढ़िया से एडजस्ट हो चुका है, बट यहाँ पे हमारे पास जगह थोड़ा कम है, तो हम इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए लेकर चले जाएंगे। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, हम पोजिशन वाले ऑप्शन पर जाने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देंगे। अब फ्रेंड्स हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम इन सभी को लॉक कर देंगे। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है इधर उधर कहीं पर भी नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें फिर से प्लस वाले चिन्ह पे टाइप करना है, एक न्यू टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। न्यू टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ जो है क्वाइट्स हैं, हम उनको यहाँ पे हिंदी में टाइप कर देंगे। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम जो है अपने उस टेक्स्ट के यूनिकोड को यहाँ पे पेस्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोग भी कुछ इस प्रकार से अपने यूनिकोड को लिख के पेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम जो है चले जाएंगे फॉन्ट वाले ऑप्शन पे। फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, माय फॉन्ट्स में चले जाना है। अब आपको उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिस फॉन्ट के यूनिकोड को आप निकाले हुए हैं। सो फ्रेंड्स हम जो है चेक कर लेते हैं आराम से, उसके बाद जो है सिलेक्ट कर देंगे। यदि आप लोगों को नहीं पता किस प्रकार से किसी भी फॉन्ट का यूनिकोड निकालते हैं, तो आप लोग हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको ढेर सारे वीडियोज मिल जाएंगे जिससे आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स हम इसके कलर को कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा कर देंगे कलर में। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे हम स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे। स्पेसिंग को आपको जो है थोड़ा सा बढ़ा देना है। स्पेसिंग वाले ऑप्शन के नीचे लाइन स्पेसिंग देखने को मिल जाएगा, आप जो है लाइन स्पेसिंग में जाके कुछ इस प्रकार से इसके टेक्स्ट को बढ़िया से एडजस्ट कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम जो है नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे यहाँ पे। यदि स्ट्रोक को इनेबल करना है तो स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे, या फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा कलर वैसे भी बढ़िया दिख रहा है तो हम इसको वैसे ही रहने देंगे। सो फ्रेंड्स हमारा ऐसे भी अच्छा ही दिख रहा है तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम जो है प्लस वाले चिन्ह पे टाइप करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद हम जो है अपने पिक्सल लाइव में जो कुछ भी स्टिकर बना के रखे हुए हैं, उन सभी स्टिकर को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यदि आप भी इन सभी स्टिकर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम किसी भी पोस्टर को बनाने से पहले वहाँ पे पीएनजी मटेरियल्स को प्रोवाइड कर देते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो है कुछ इस प्रकार से स्टिकर है, तो हम इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। अब इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक कहीं पर भी इधर उधर नहीं होगा। अब हम प्लस वाले चिन्ह पे टाइप करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद हम किसी भी बिना बैकग्राउंड वाले पिक्चर को ऐड कर लेंगे, ताकि यहाँ पे जो है बढ़िया से एडजस्ट हो सके। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम जो है अखिलेश यादव जी की पिक्चर को ऐड कर चुके हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे। आप लोग भी देख पा रहे हैं यहाँ पे हम जैसा कि इनके फोटो को थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, तो आप लोग भी यहाँ पे छोटा कर दीजिएगा। उसके बाद प्लस वाले चिन्ह पे टाइप करना है, एक न्यू टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। न्यू टेक्स्ट को ऐड करने के बाद यहाँ पे जो है इनके नाम को टाइप कर देना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं अखिलेश यादव हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब हम इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, जैसा कि 34 या 38 के आसपास ही हम रखते हैं। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करते हुए इसे जो है पोजीशन वाले ऑप्शन में आएंगे। पोजीशन वाले ऑप्शन से हम जो है इसे थोड़ा सा नीचे कर देंगे। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा जो पोस्टर है बढ़िया से एडिटिंग हो चुका है। कुछ इस प्रकार से करके आप खुद के लिए एक प्रोफेशनल बैनर डिजाइन कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स इसे सेव करने के लिए आपको सेव वाले बटन पे टाइप करना है और सेव एज इमेज पे टाइप करना है। यहाँ पे आपको कस्टम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कस्टम पे टाइप करना है। नीचे स्क्रॉल करके अल्ट्रा सेलेक्ट करना है, सेव टू गैलरी पे टाइप कर देना है। यह जो पोस्टर है आपकी गैलरी में फुल HD क्वालिटी में सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको यदि PLP फाइल डाउनलोड करना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप जैसे ही टैप करेंगे तो वह जो है डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ की डॉट पे टैप करना है और ओपन PLP फाइल पे टाइप कर देना है। कुछ इस प्रकार से करने के बाद आपको जो फादर्स डे का PLP फाइल देखने को मिल जाएगा, तो आपको उस पर एक बार टाइप करना है, ओके कर देना है। यह जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो जो है आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से अपने मन मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमारा थोड़ा ज़्यादा नीचे की तरफ हो चुका है तो हम इसे ऊपर कर देंगे। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से
यह हमारा जो PLP फाइल है ऑलरेडी बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में ही मिलेगा घंटे के बटन, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। सो गाइज, आपको हम जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।